संजीव, एक खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं दून विधानसभा क्षेत्र की मंधाना पंचायत के उप प्रधान भागचंद शर्मा जी। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, आप एक हमें बात बताइए कि बतौर उप प्रधान पंचायत के लिए आपकी क्या उपलब्धियां रही? हमारी पंचायत की उपलब्धियां बतौर मेरे उप प्रधान होने के नाते, सबसे पहले तो हमने अपनी पंचायत में विकास का बीड़ा उठाया था, जिसको निरंतर हमने गति दी है। विधायक राम कुमार को मिलने के साथ साथ और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनसे हमने जाकर के उनके दफ्तरों में अनुरोध किया कि हमारी पंचायत में ये कमियां हैं, तो विधायक ने हमारे उन सारे कार्यों को करवाने में हमारा भरपूर सहयोग किया, जिससे कि हम अपनी पंचायत के कार्य जो है वो संपन्न करवा सके। तो आपके यहाँ से चौधरी राम कुमार विधायक हैं, तो बतौर विधायक उन्होंने आपकी कैसी मदद की? एडमिनिस्ट्रेशन का और विधायक का आपके साथ तालमेल कैसा रहा? हमारे जितने भी कार्य थे जी, जो जो भी हमारे को दिक्कतें आती थी हम विधायक के नोटिस में लाते थे। हमारे गांव की पब्लिक, हमारी पंचायत की पब्लिक हमारे साथ इकट्ठी होकर के राम कुमार के पास जाती थी। उन्होंने तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेशन या कर्मचारी जितने भी थे उससे संबंधित विभागों से सबको मौके पर बुला करके हमारी समस्याओं का जो है वो निराकरण करवाया है। और जो जो भी कार्य हमने उनको बताए थे, लगभग 95% कार्य उन्होंने हमारे पूरे करवा दिए हैं। जी, आप चौधरी राम कुमार के विधायक जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो इससे आपको कोई व्यक्तिगत फायदा या कोई राजनीतिक फायदा? ऐसा है कि जहां तक मेरे उनसे संबंध है, संबंध मेरे किसी पार्टी विशेष से नहीं है। मैं तो सन 77 से लेकर के और आज से 5 साल पहले तक बीजेपी का सक्रिय मेंबर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने काम किया था, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ नहीं हुई, कोई कार्य हमारा 20-30 साल में नहीं हुआ था, इसलिए हमने दुखी होकर के कांग्रेस का दामन थामा है और विधायक राम कुमार के पास हम जाकर के गए। उन्होंने हमारे को यह आश्वासन दिया था कि आप मेरे दरबार में चाहे रात को भी आओ, मैं आपके साथ रात को भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने बताया भी है उसको, मौके पे उसके पास गए भी हैं। जब जब भी हम गए तो हमारी समस्या का समाधान उन्होंने किया। जी, आप चौधरी राम कुमार जी के लिए इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप अपनी पंचायत के अलावा कहीं और भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दून बमुंजा में जहाँ जहाँ जिन जिन पंचायतों में मेरा प्रभाव है मैं वहाँ वहाँ पे जा रहा हूँ। जैसे मेरे साथ लगते हुए कालूजिंडा पंचायत है, रोटीवाला पंचायत है, सूर्यपुर पंचायत है, पट्टा नाली पंचायत है, चंडी है, बडलग है, तो इधर नालागढ़ के आसपास भी हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंचायतें पड़ती हैं, उनमें भी हमारा प्रभाव है। मैं घर घर जाकर के उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ और उनके लिए वोटें मांग रहा हूँ और उनको विजय श्री भी दिलवा करके ही रहूंगा। जी प्रधान जी, अक्सर हम जनता के बीच में जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि चौधरी राम कुमार जो पूर्व में कार्य हुए या जो बीबीएनडीए के कार्य हैं, अक्सर उनका श्रेय लेते हुए नजर आते हैं और उद्घाटन करने में एकदम तत्परता दिखाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि बीबीएनडीए का गठन जब हमारे यहाँ असम में 2002 में हुआ था, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, यहाँ विधायक रही यहाँ पे बीजेपी, तो उस समय तो कोई बीबीएनडीए का पैसा हमारी पंचायतों में नहीं लगा, किसी भी पंचायत में नहीं लगा, 36 की 36 पंचायतों में किसी में बीबीएनडीए का पैसा नहीं लगा। जब से राम कुमार चौधरी एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं, उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह को मिलकर के शिमला में जाकर के हमारे इलाके की वहां पे जो समस्या थी वो जाकर के उठाई, विधानसभा में जाकर के असेंबली क्वेश्चन किए, और वहां से राजा साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने हमारे एरिया की समस्या को देखते हुए बीबीएनडीए का जितना यहाँ से फंड इकट्ठा होता था वो पैसा जो है यहाँ की पंचायतों में डेवलप करने के लिए उन्होंने हमारा सहयोग दिया। तब से ये पैसा हमारी पंचायतों में लड़ना शुरू हुआ। ये तो बीजेपी वाले वैसे ही रट्टा डाल रहे हैं। बीबीएनडीए ने कोई ऐसा काम नहीं पहले किया था कि जिससे पंचायतों को फैला हो, ये राम कुमार की देन है, राम कुमार ने ही करवाया है। जी शर्मा जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप किस मुद्दे के को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? हम जनता के बीच में जा रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर के। 700 करोड़ रुपया श्वेत पत्र जारी किया है चौधरी राम कुमार ने दून कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 700 करोड़ रुपया। मेरा ख्याल, मेरे को ऐसा लगता है
हिमाचल प्रदेश में पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ऐसी जिसमें 700 करोड़ रुपए लगा है। हो सकता है राजा वीरभद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 700 करोड़ रुपए ना लगा हो। अच्छा, एक जो विकास कार्य हुए यहाँ पर, पूरी दून विधानसभा क्षेत्र की बात करें या खासकर आपकी मधाला पंचायत की बात करें, तो यहाँ जो विकास कार्य हुए क्या वो गुणवत्ता के आधार पे हुए हैं? बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पे हुए हैं। ब्रोटीवाड़ा से मधाला के लिए रोड बना है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस गुणवत्ता की तारपोल उसमें डली है। NH पे जो तारपोल लगती है वो तारपोल यहाँ पे लगाई गई है, चिट्टी पट्टी लगाई गई है। ऐसे शहरों में देखने को मिलेगा, ना कि कहीं गांव में, पूरे हिमाचल में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रिफ्लेक्टर वगैरह लगाए गए हैं, और जितनी उसकी थिकनेस थी हमने जाकर के मौके पे देखा, उसकी उतनी थिकनेस के आधार पे ही वो कार्य कराए गए हैं। जी, एक आप हमारे CNN चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये विकास की आंधी जो रामकुमार चौधरी ने चलाई है, इसको रुकने मत देना। चौधरी साहब का ज्यादा से ज्यादा मत देकर के उनको यहाँ से विजयी बनाएं, और ताकि हमारे इलाके में विकास की गाथा जो है आगे ये लिखी जा सके। तो धन्यवाद राजन शर्मा जी।